स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का मतलब है यू कैन टाइप इन लेटर्स यू कैन टाइप इन डॉक्यूमेंट्स यू कैन टाइप इन फ्रेजेस यू कैन टाइप इन लेसन ऑल दैट ओके ये तो अप, अपना नोटबुक जैसा होगा जहां पे आप नोट्स ले सकते हो ले सकते हो या कुछ प्रिंट लेना है तो टाइप करके ले सकते हो सो दिस इज अ वर्ड एप्लीकेशन जहां पे आप टाइप करके सेव कर सकते हो ओके आज देखते हैं कैसे जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और इसे आज तो हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओके सो उसके लिए हमें फर्स्ट सर्च करना पड़ेगा वर्ड देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हां हाँ यही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट पेज आप देख सकते हो इसके ऑन द टॉप ऑफ दिस आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट वन हेज डिफॉल्ट नेम अभी आप कुछ नाम नहीं दिए हैं डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास कंप्यूटर ने नाम कुछ नहीं मांगा है मगर बाय डिफॉल्ट ओपन होने वक्त वो डॉक्यूमेंट वन पे ही ओपन होगा ओके और सो आज हम ये जो नाम है डॉक्यूमेंट का ऑन द टॉप ऑफ इट द फाइल नेम ये बार को कहते हैं हम टाइटल बार इसे क्या कहते हैं टाइटल बार जो फाइल नेम स्टोर करके दिखाता है उसे कहते हैं टाइटल बार ओके okay? और जो मेनूज दिख रहे हैं यहाँ पे आपका फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंसेस मेलिंग रिव्यू और व्यू ये सब क्या होता है ये सब मेनूस है सो so, इसे क्या कहते हैं मेनू बार कहते हैं क्या कहते हैं इसे मेनू बार देश द टाइटल होल्डर द प्लेस वे यू हैव द फाइल नेम डिस्प्लेड जो स्पेस में फाइल का नाम डिस्प्ले हुआ है उसका नाम क्या होता है टाइटल बार उसका नाम क्या होता है टाइटल बार अभी जो यहां पे जो मेनूज डिस्प्ले हुए हैं इसका नाम है मेनू बार इसका नाम क्या है मेनू बार ओके हमें पता है कि ये ब्लैक लाइन जो है जो ब्लिंक करते ही रहता है इस, इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं कर्जर ओके ये क्यों है यहाँ पे इट इंडिकेट्स यहां से ही टाइपिंग शुरू करना है जो वहां जहां भी आपके पास ये ब्लैक कलर लाइन है वहां स, वहां उस राइट के पास यू कैन स्टार्ट टाइपिंग फॉर एग्जाम्पल देखो अभी खसर यहां पे है मैं टाइप करती हूं ओके okay? सो so ये है टाइपिंग बन चुका है अभी मुझे चाहिए इमेजिन uh, मैं हाउ आर यू यहाँ पे टाइप कर रही हूं

हाउ आर यू के बाद में कर्सर रखना पड़े पड़ेगा वहां से ही यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टाइपिंग सो कर्सर को कैसे वहां ले सकते हैं इसमें दो ऑप्शन है एक है आप कीज यूज कर सकते हैं एरो कीज है जो आपके कीबोर्ड पे होगा कीबोर्ड में अप डाउन राइट लेफ्ट वो है एरो कीज वो क्लिक करने से मैं आप लेफ्ट की क्लिक कर रही हूं देखो हो रहा है ये तो कंप्लीटली होगा और द दूसरा टाइप है दूसरा मेथड है यू नीड टू टेक योर माउस पॉइंटर और क्लिक ऑन दिस प्लेस देखा कर्सर वहां पे आ गया यस yes? ओके okay. अभी कैसे इंसर्ट करेंगे हमें तो स्पेस बार चाहिए स्पेस बार प्रेस करके हाउ आर यू एंड योर ओके सो यहां पे इट बिकम्स इजी ओके, okay? और सोचो कि यू हैव एंटर्ड दिस आई एम गुड हियर हियर हाउ इज द वेदर देयर एंड ऑल दैट सोचो कि अभी वेदर का स्पेलिंग आप लोगों ने रॉन्ग लिखा था देखो क्या आ रहा है रेड अंडरलाइन इज कमिंग रेड अंडरलाइन का मतलब है स्पेलिंग एरर रेड अंडरलाइन का मतलब है स्पेलिंग एरर सोचो कि टाइप करने वक्त आप भूल जाते हो या टाइप रॉन्ग टाइप कर देते हो तब ये रेड लाइट लाइन से हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों ने कुछ रॉन्ग किया है उसमें सो so अभी आपको याद है तो आप डिलीट करना है कैसे डिलीट कर सकते हैं दो कीज है डिलीट और बैक स्पेस उसका एक ही डिफरेंस है बैक स्पेस डिलीट करेगा कर्सर को कर्सर से लेफ्ट साइड में और डिलीट की डिलीट करेगा कर्सर के राइट साइड से ओके अभी कर्सर के लेफ्ट चूज करना है या राइट right चूज करना है मुझे तो स्पेलिंग रॉन्ग तो वेदर का हुआ था सो so, अभी लेफ्ट चूज करना है या राइट right चूज करना है लेफ्ट चूज करना है वेरी गुड अभी लेफ्ट चूज करना है तो कौन सा की uh, यूज करना है डिलीट करने के लिए टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द कर्जर इट इज बैक स्पेस पीछे जाओ बैक स्पेस पीछे जाओ सो so, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस एंड बैक स्पेस ओके अभी आपको मालूम है कि आप लिख सकते हो ओके okay? अभी भी रॉन्ग आ रहा है क्योंकि स्पेलिंग वापस रॉन्ग है कैसे कर सकते हैं ऐसे राइट क्लिक ऑन द वर्ड राइट क्लिक ऑन द वर्ड राइट क्लिक ऑन द वर्ड और अब वो ऑप्शन देगा हमें आप वो तो अज्यूम करता है तो आप वेदर ही लिखने वाले थे हाँ वेदर ही लिखने वाले थे सो दो ऑप्शन दे रहा है, है, है। यहाँ पे ग्रामेटिकली वेदर ही करेक्ट होगा वेन यू क्लिक ऑन दैट वेदर रिप्लेस हो जाता है इज दैट क्लियर यस ये इजी बन जाता है वर्ड यूज करने के लिए ओके okay? अभी आफ्टर दिस आई वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन कैसे जा सकते हैं हम लोग वर्ड में लाइन के लिए क्या कौन सा की दबाना पड़ता है एंटर देखो खजर कहां पे आ गया सो so, आप कहां से शुरू होगा टाइपिंग यहां से शुरू होगा टाइपिंग द विंटर इज रियली कोल्ड ओके ऐसे so, ही आप टाइप कर सकते हो और टाइप करने से इट इज गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर अस ओके अभी सोचो कि आप लेटर्स लिख रहे हो या नोटबुक में लिख रहे हो क्या करेंगे जब, जब कभी गलती से लिख जाता हो लिख जाते हो क्या करेंगे वी विल डिलीट इट विथ अ इरेजर इरेजर के साथ डिलीट करेंगे इरेज करेंगे या तो कट कर देंगे पेन से लिखा हुआ है तो हा ना सो so, यहां पे तो ये इजी बन जाता है अगर गलती से भी कुछ रॉन्ग uh, स्पेलिंग्स लिख दिए हैं या कुछ अलग सा लिखना चाहते थे और कुछ और लिख दिए तो इसके लिए ये बहुत ही इजी बन जाता है सो यू कैन डिलीट इट वेन यू वांट एंड यू कैन आल्सो क्रिएट न्यू वंस ओके अभी uh, कैसे सेव कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना है फाइल क्लिक करना है और आप दो ऑप्शन देख चुके हैं यहाँ पे एक है सेव और एक है सेव एस सेव एस का मतलब है आई कैन राइट माई ओन फाइल नेम इवन इफ इट वॉज ऑलरेडी रिटर्न मैं अब बताती हूँ आपको पहले सेव करती हूं सेव करने से आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स जो आपके पास फाइल नेम पूछेगा सो हम फाइल नेम रखते हैं लेटर ओके okay? और सेव कर देते हैं अब आप टाइटल बार में देख सकते हो उसका नाम बदल चुका है वो तो लेटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बन चुका है हा ना ओके okay. अभी मुझे ये लेटर नहीं चाहिए मुझे तो दूसरा ही आ, नाम चाहिए सो so, मैं क्या कर सकती हूं फाइल जाती हूं सेव एस करती हूँ सेव एस करने से आई कैन रिप्लेस दिस विथ एनी अदर नेम फॉर एग्जाम्पल माई लेटर ओके सो क्या करती हूं मैं अभी सेव सेव करने से देखो ऊपर क्या हो गया माई लेटर आ गया सो दिस इज हाउ यू सेव इट ओके ओके अब हम देखते हैं कि इसका फॉन्ट कैसे बदलते हैं फॉन्ट का मतलब है हैंड राइटिंग ओके फॉन्ट का मतलब है हैंड राइटिंग कैसे बदलते हैं ये देखो फॉन्ट का बॉक्स है ये तो फॉन्ट बॉक्स है यहां पे आप फॉन्ट साइज कितना बड़ा चाहिए और कितना छोटा चाहिए आपका हैंड राइटिंग और टाइप ऑफ हैंड राइटिंग भी सिलेक्ट करते हैं अभी यहां पे बदलने के पहले हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा टेस्ट टेक्स्ट पे आपको हैंडराइटिंग बदलना है सोचो so, कोई मुझे सिर्फ यही विंटर इज रियली कोल्ड का टेक्स्ट बदलना है तो क्या करूंगी आई क्लिक एंड ड्रैग क्या करना है मुझे वापस देखो आई क्लिक देर आई क्लिक एंड ड्रैग क्लिक मत छोड़ना आप ओके okay? आपको ये क्लिक करके ड्रैग करना ही पड़ेगा ओके okay? क्लिक हाथ पे ही रहना चाहिए और आप जो जब सिलेक्शन एंड होता है तब क्लिक छोड़ दीजिए आफ्टर यू लीव दैट आपको यहाँ पे जो मनपसंद हैंड राइटिंग है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं देखो आपको प्रिव्यू भी मिल जाता है यहाँ पे ही ये क्लिक करते हैं और हम फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं देखो अभी आ गया ना फॉन्ट साइज भी ह्यूज आ गया फॉन्ट साइज ट्वेंटी पे है ओके और सोचो कि पहले पहला सेंटेंस में और कोई फॉन्ट चाहिए मुझे यही फॉन्ट नहीं चाहिए दूसरा फॉन्ट चाहिए सो उसके लिए क्या कर सकते हैं क्लिक वेरी गुड क्लिक एंड ड्रैग वेरी गुड क्लिक एंड ड्रैग ड्रैग करने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें फॉन्ट बॉक्स वो डाउन एरो क्लिक करने से हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ओके okay? सो so, मैं सिलेक्ट करती हूं और साइज भी सिलेक्ट कर लेंगे 16 रख देंगे देखो अभी इट बिकम्स विद द सेम फॉन्ट एंड अ डिफरेंट साइज ओके सो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं अभी सोचो कि हमें बोल्ड करना है टू बी रियली बोल्ड बोल्ड करना माने इट बिकम्स थिकर थिक हो जाता है जैसे कि ये थिक है ना वैसे ही थिक हो जाता है अभी सर्टन वर्ड्स कैन बी मेड बोल्ड फॉर देम टू बी मोर इम्पोर्टेंट अभी वो वर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट देना है ना जब कभी क्या कर सकते हैं हम लोग वो वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और बोल्ड क्लिक कर सकते हैं एंड देखो अभी डिफरेंस विंटर इज रियली कोल्ड ये बोल्ड हो जाता है दे गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द वर्ड सो कर सकते हैं अभी मुझे सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लैंग्वेज नहीं चाहिए हैंडराइटिंग नहीं चाहिए तो मैं और भी कर सकती हूँ सिलेक्ट और आई को प्रेस करती हूँ आई का मतलब है इटेलिक्स आई का मतलब है इटैलिक्स इटैलिक्स का मतलब है फॉरवर्ड में स्ट्रोक होगा ऐसा होगा स्ट्रोक ओके सो फॉरवर्ड में स्ट्रोक होगा और वही इटालिक्स बन जाता है अभी सोचो कि आपको अंडरलाइन करना है किसी ना किसी वर्ड को सोचो कि आई एम गुड हियर को अंडरलाइन करना है ओके okay? कैसे करेंगे सिलेक्ट क्लिक ड्रैग एंड सिलेक्ट सो हाउ डू डू इट क्लिक ड्रैग एंड सिलेक्ट उसके बाद जो यू पार्ट है ना यहाँ पे देखो अंडरलाइन दिख रहा है सो क्लिक ऑन डेट अभी वहां पे क्लिक करने से देखो क्या हो गया अंडरलाइन भी आ गया इसमें। इज हाउ यू वु एंड मेक चेंजेस टू द टेक्सट इन दर्ड डॉक्यूमेंट हम लोग आज क्या देखे थे हम लोग देखे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके लिए यूसेज है और कैसे टाइप कर सकते हैं कर्जर कैसे यूज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल कैसे बदल सकते हैं ओके प्लीज प्रैक्टिस दिस एट होम चिल्ड्रन एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन बाय